You all have completed. Okay, write Y in chat box if you have completed. Let me check one by one. Start writing either Y or N. You have two options. Hurry up, beta, fast. No one is writing anything. Okay, Sonia, N. Y, N again, N. Prakhar has written N. N wale. Ayushi Lakra, she has written N. Then Monica has written N. Sonia has written N. And what about others? Pavan, only three questions. और बाकी सब क्या कर रहे हैं? ना तो एन लिख रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन नहीं था क्या? If I told you that you all have to write, बाकी लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं? 24 are there. So I want 24 responses. Ma'am, can you please repeat? Chakinjal Bharil. If you have done homework, write Y. If you have not done homework, write N. Ekta, Rishabh, Chitranshi ka ho gaya, Kartik, ye sab Y wale ho gaya. Ekta ne N likha, chha Rishabh ne Y likha, kya baat? Chadamini has written Y. Okay, still some are left. अच्छा, अब रुको, आपकी क्लास में जो है ना, अदिति साहू, प्रणव प्रकाश ने वाई लिखा. हाँ प्रणव, अनम्यूट बेटा. प्रणव प्रकाश. यस मैम. लास्ट टाइम जो बेटा मैंने आपको तीन चार बार कॉल किया, आप रिस्पांस क्यों नहीं देते हो? मैम लास्ट टाइम इंटरनेट इशू था, मुझे कुछ पता नहीं. नो नो प्रणव, नो, बिल्कुल नहीं. हर बार नेटवर्क इशू नहीं होता मैम, आप पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा. पूरे 40 मिनट्स तुम्हारा नेटवर्क इशू था, मैंने तुम्हें 3 times कॉल किया था बेटा. मैम उस दिन बहुत ज्यादा अनस्टेबल आ रहा था BSNL. अच्छा ठीक है, तो क्या तुम्हें मेरी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी? मैम मैंने एक बार ज्वाइन किया था, ज्वाइन होने के बाद फिर मेरा मैम आवाज मतलब कुछ ज्यादा ही कट रही थी. तो यदि ना हो तो चैट बॉक्स इसीलिए होता ना, आप उसमें लिख सकते हो कि सम नेटवर्क इश्यू. मैम वो हैंग कर रहा था ना मैम, मैं उसे उस पर क्लिक कर रहा था तो और भी बुरा हाल हो रहा था. ठीक, मैं जब तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तुम्हें नेटवर्क इश्यू आ जाता है. चलो ठीक है, मान लिया, चलो उस बार होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखो थोड़ा. यस मैम. ध्रुव जैन, अनम्यूट. यस मैम. तुमने ना वाई लिखा ना ना एन लिखा. वाई मैम एक्चुअली मैं अभी ज्वाइन हुआ था. अच्छा चलो, लिखो रिस्पांस. इफ यू हैव डन होमवर्क राइट वाई, अदरवाइज नो. हरीश. यस मैम. हैव यू डन होमवर्क बेटा? यस मैम. तो रिस्पांस लिखना चाहिए था ना, आपने भी नहीं लिखा. मैम लिखा तो है. अच्छा लिख दिया. ओके कब लिखा? देखो मैं चेक करूं कब लिखा. ध्रुव ने अभी लिखा. ओके हरीश, हरीश ओके बेटा, लेट मी चेक. हरीश, हरीश, अच्छा हरीश का रिस्पांस आ गया. यस रिटर्न. चलो हाँ, ध्रुव ने लिखा नो. व्हाई नो ध्रुव? ध्रुव. यस मैम. व्हाई नो? क्यों नहीं किया? रीजन बताओ फटाफट. मैम वो याद नहीं था. वेरी बैड बेटा, ये क्या बात हो? तुम केजी में पढ़ते हो क्या? मतलब आप लोग ऑनलाइन क्लास करते करते क्या बिल्कुल ही लेजी होते जा रहे हो? कहां तो आरडी शर्मा के सारे क्वेश्चंस करते थे क्लास में, कहां सिर्फ एनसीईआरटी करा पा रहे हैं, उसमें भी नो कर रहे हो. टेस्ट कैसे दोगे आप लोग? गलत बात है. मतलब जाके 1/4 आपका
सिलेबस मतलब आरडी समय दिया, फिलहाल एनसीईआरटी नहीं करोगे तो आरडी में क्या एक्सपेक्ट करूंगी आपसे? बट ये गलत बात है आपकी क्लास में, क्या बोलूं मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ आप लोगों से, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो। संयुजा ने अभी ज्वाइन किया 10 मिनट्स के बाद, चलो लेकिन मैं धीरे धीरे पकड़ूंगी तुम लोगों को, थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में तो आइडिया तो लग गया कि किस कौन क्या स्मार्टनेस दिखा रहा है, तो उस हिसाब से। हाँ दामिनी कितने क्वेश्चंस करने थे बेटा, जल्दी बोलो अनम्यूट। दामिनी कितने करने थे? फर्स्ट फोर? यस मैम। ओके हैव यू डन फर्स्ट फोर? यस मैम। और विच एक्सरसाइज? मैम 8.2। यस गुड। हाँ ठीक, मैं वही देख रही थी, कुछ बाकी लोगों को तो पता भी नहीं होगा कुछ कुछ। ओके सो आई थिंक फर्स्ट फोर क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, यू कैन डू फर्स्ट फोर क्वेश्चंस। सो टुडे वी विल डिस्कस रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस बिकॉज ओनली 7 क्वेश्चंस आर देयर इन सेकंड एक्सरसाइज। सो लेट मी चेक रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस। हाँ ये मैंने आपको यहाँ तक, थर्ड तक तो मैंने ही सॉल्व कराया था आपको, फोर्थ मैंने आपको होमवर्क दिया था। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन में किसी को डाउट हो, क्योंकि सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7 में से सबसे सिंपल ही फोर्थ वाला ही है, फिर भी किसी को डाउट है क्या फोर्थ क्वेश्चन में? और डाउट नहीं होगा तो फिर मैं पूछूंगी फोर्थ कैसे किया, जल्दी फटाफट। फर्स्ट अभी तो आपको थ्योरम भी बताना है मुझे, इसका प्रूफ, मिड पॉइंट एंड इट्स कन्वर्स, किसी को डाउट नहीं फोर्थ में? ओके वेरी गुड। ऋषभ अनम्यूट। ऋषभ मैम कौन है आप, कौन बोलने लगा? हाँ बोलिए मैम, ये जो आपने पिछली बार कन्वर्स थ्योरम समझाया था ना? हाँ यस बेटा। तो मैम उसमें जो आपने बताया था कि उसमें पैरेलल होती हैं ऑलरेडी, हमें एक मिड पॉइंट होता है, लिसन केयरफुली, एक मिड पॉइंट 3 साइड में से एक साइड का मिड पॉइंट गिवन होता है, उसी मिड पॉइंट से एक लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं किसी भी दो साइड एक का तो। अच्छा रुक जाओ वेट, यहाँ समझा देती हूँ। कन्वर्स में ये ट्रायंगल है, मैंने सपोज करो, चलो इसका तो नहीं मैं इसका मिड पॉइंट ले रही हूँ, इसका मैंने मिड पॉइंट ले लिया, इस साइड का मिड पॉइंट ले लिया, ये मिड पॉइंट हो गया। अब इस मिड पॉइंट से आप दो तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे? यदि इस तरह से लाइन जाएगी तो इसके पैरेलल होगी, इस तरह से लाइन जाएगी कर्सर देखते जाओ तो इसके पैरेलल होगी, आपकी मर्जी, कोई भी केस आ सकता है। चलो मैंने ये पैरेलल लाइन ले लिया, नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन ए बी सी डी ई, तो आपको इसमें दो चीजें दी हुई है, नंबर वन ये दोनों इक्वल बिकॉज डी इज अ मिड पॉइंट, नंबर टू डी ई पैरेलल टू ए बी, यानी एक मिड पॉइंट और एक लाइन पैरेलल। रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट है जो ई है ये ए सी का मिड पॉइंट बन जाएगा। यदि आप इसका फेयर कंस्ट्रक्शन भी करते हो, कैसे फेयर कंस्ट्रक्शन? एक उस दिन मैंने बताया तो मिड पॉइंट ले लो, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, जब आप स्केल से मेजर करोगे ऑटोमेटिक ये दोनों साइड्स आपको इक्वल मिलेंगे। आगे समझ में सृष्टि, जल्दी बोलो। yes, हाँ और जो मेन थ्योरम होती है, मेन थ्योरम में दो मिड पॉइंट गिवन होते हैं, डी भी मिड पॉइंट होगा और ई भी मिड पॉइंट होगा, दोनों मिड पॉइंट होंगे, यानी दो साइड्स का मिड पॉइंट होता है। और जब दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगी, ये लाइन सेगमेंट अब एक ही साइड बची हमारे पास, क्योंकि हमने दो का तो मिड पॉइंट ले लिया, तो जो रिमेनिंग होगी थर्ड साइड वो उसके पैरेलल हो जाएगी। क्लियर? यस मैम। ये दोनों में डिफरेंस देखना कि दोनों में डिफरेंस गिवन क्या है, रिजल्ट क्या है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखो ध्यान से, फोर्थ तक तो बताने की जरूरत नहीं है, फोर्थ अभी लास्ट में पूछती हूँ किसी से। नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन, इसके ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा, खासकर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले ये समझो, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। अच्छा इसका फिगर आप भूल जाओ, फिगर आपको खुद ड्रॉ करना,
ध्यान रखना, फिगर नहीं गिवन नहीं होगा फिगर। तो सबसे पहले चलो क्वेश्चन लिखते जाते हैं ए बी और सी डी का, खुद ही फिगर ड्रॉ करते हैं। कोई एक रीड करना रुक जाओ, पहले तो पैरेललोग्राम में बना लो। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये ले लिया पैरेललोग्राम, ठीक है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी का मिड पॉइंट जल्दी बताओ क्या है, ए बी का मिड पॉइंट E is a midpoint of AB. CD का midpoint F is a midpoint of this. देखते जाना करेक्ट है कि नहीं। ये इसके इक्वल, डबल कट ये इसके इक्वल। अच्छा एक बात बताओ, यदि यहाँ पे सिंगल कट लगा दें तो चलेगा क्या? नो मैम, नो मैम। क्यों, वाई नो मैम? क्योंकि फिर वो चारों इक्वल हो जाएंगे। क्या चारों इक्वल नहीं होंगे? नाम लगा सकते मतलब होगा फिर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम बिल्कुल लगा सकते हैं, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो ए बी और सी डी इक्वल होंगे। अब मान लो ए बी 10 है तो सी डी भी 10 होगा। अब ए बी का मिड पॉइंट हो गया ये ए ई, ये 5 होगा तो ये 5। अब ये 10 है तो मिड पॉइंट 5 5। बिल्कुल आप सिंगल कट लगा नहीं सकते हो, सिंगल ही कट लगाना ताकि समझ में आ जाए कि आपको सारी प्रॉपर्टीज। वैसे इसका यूज नहीं है बट स्टिल आपको समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या, उसके हिसाब से आप लेबल करो, तब सिंगल सिंगल कट लगा दो। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन में ए बी सी डी हो गया। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ, ए एफ को ज्वाइन करना, ध्यान से देखना। And EC trisect the diagonal BD. Okay. Now line segment AF, A to F आपको join करना, यानी आपका जो होगा ये A है, A से F एक line segment draw कर दिया। Number one. Number two, C से E को join करना, C to E ये join किया आपने, ठीक है। पर इसको चलो मैं pink ही ले लूँ तो ज्यादा बेहतर है ताकि आपको पीछे हो गया। CE ट्राइसेक्ट डायगोनल BD, यानी BD को ज्वाइन करना। देखो क्वेश्चन से क्लियर हो गया कि आपको फिगर कैसे ड्रॉ करना है। आपने फिगर खुद से बना लिया, यही फिगर आपको बनाना ही पड़ेगा। अब आप पूरा गिवन लिख देना। गिवन से आपको मालूम है क्या गिवन है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस, ये तो हो गया गिवन। टू प्रूव, आपको टू प्रूव में क्वेश्चन में दिया है कि जो ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं ए एफ एंड सी ई ट्राइसेक्ट द डायगोनल, बी डी को ट्राइसेक्ट यानी थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। वन टू, ये डॉट लगा दिया मैंने, इस पॉइंट को ले लिया मैंने पॉइंट एम एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट एन, ये एम हो गया और ये एन हो गया। अब बी डी को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, यानी रिजल्ट आना चाहिए आपको डीएम equals to MN equals to NB, यानी ये BD three equal parts में divide हो जाएगा। और कौन divide कर रहा है इनको, AF और CE, यानी to prove में लिखोगे DM equals to MN equals to BN, ये result आना चाहिए, final answer ये मिलना चाहिए। Now come to proof, अब इसका proof करना, बहुत simple है proof, कुछ भी नहीं है। अब आप ध्यान से देखना, सबसे पहले हमें डीएम और एमएन इन दोनों को इक्वल करना, खूब अच्छे समझना, डीएम और एमएन इक्वल करना। यदि डीएम और एमएन इक्वल करना है तो ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब एम जो है डीएन का मिड पॉइंट हो जाए। ध्यान से समझना लॉजिक, डीएम इक्वल्स टू एमएन का मतलब है एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ डीएन। एम को कैसे भी करके डीएन का मिड पॉइंट बना दें। एम आई ऑडिबल क्लियरली? Yes. अब आप फिगर ध्यान से देखो, हमें वो ट्रायंगल चूज करना है जिस ट्रायंगल में डीएन एक बेस आ रहा, डीएन शुड बी अ बेस ऑफ अ ट्रायंगल। ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें डीएन एक साइड हो, जल्दी बताओ। ट्रायंगल सी एन डीएनसी, विच ट्रायंगल? डीएनसी, यस ट्रायंगल डीएनसी, यस बिल्कुल सही। अब आप अपने समझने के लिए यदि चाहो तो डीएनसी को अलग से बना सकते हो। अब चलो मैंने यहाँ पे ये अलग से कंस्ट्रक्ट कर लिया, जस्ट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कि ये मैंने देखो यहाँ पे सिर्फ ये वाला बनाया,
डी एन सी। अब आप देखना ध्यान से, यहां पर है पॉइंट एम। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है ध्यान से देखो, डीसी का मिड पॉइंट है एफ, ये डीसी का मिड पॉइंट है, और साथ में क्वेश्चन में गिवन है इस मिड पॉइंट का मतलब ये दोनों आपस में हो गए इक्वल, ठीक है। अच्छा इसके पहले कोई एक, रुको एक को अनम्यूट करके बताती हूँ, ए एफ सी ई, हु कैन प्रूव वाई ए एफ सी ई इज अ पैरेललोग्राम। नंबर वन, आपको ए एफ सी ई को पैरेललोग्राम प्रूव करना, कौन प्रूफ करेगा जल्दी बोलो, ए एफ सी पैरेललोग्राम। अच्छा कितने लोगों को प्रूफ करना आता है नीचे, ओके ओके कोई बताना मत मुझे, राइट इन चैट बॉक्स, कितने लोग ए एफ सी को पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं, राइट इन चैट बॉक्स। सृष्टि, दामिनी, पुष्कर, किंजल, रोनिशा, संजय, हरीश, अच्छा बस इतने लोग ही प्रूफ कर सकते हैं। ध्यान से फिगर को देखो एक बार, फिर शॉर्ट में फिगर फिर दिखा देती हूँ, फिर से एक बार देख लो, ए एफ सी ई, ये पिंक कलर वाला, ये पैरेललोग्राम है, बिल्कुल क्लियर है। एक हिंट और दे रही हूँ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। आप बताओ कितने लोग प्रूफ कर सकते हो, आयुष, सोनिया, आयुषी, कार्तिक, किंजल, हरीश, रोमिशा, पुष्कर, दामिनी, अच्छा ध्रुव को नहीं आ रहा, ध्रुव, अच्छा प्रणव प्रकाश को नहीं आ रहा, व्हाइट इज ए पैरेललोग्राम, प्रणव यू कांट प्रूव बेटा, ओके अनम्यूट, यस मैम, हाँ प्रूव करो बेटा, हाउ इट इज ए पैरेललोग्राम, एक सेकंड रुको, यस हाँ मैम, AFC is a parallelogram because मैम in a parallelogram the opposite sides are equal and parallel. मैम first we have to do it in this way that we have to prove that the opposite sides of parallel, it is known that the opposite sides of a parallelogram are parallel and equal. मैम so AB is parallel to DC and AE is parallel to FC. No, and word galat hai beta. So A is yes, parallel. So A is parallel to CF. Okay. Ma'am, now AB equal to DC. So this means that half of AB will be equal to half of DC. Yes. This means that AE equal to FC. Okay. Ma'am, from AE parallel to FC and AE equal to FC, which property? What will you write in bracket, inside bracket? Yes, ma'am. Property कौन सी? क्या property लिखोगे bracket में? There is one property ना? Why? How can you say that it is a parallelogram? Why it is a parallelogram? Property क्या लिखोगे? Ma'am, the sides are equal and are parallel to each other. One word is missing. Ma'am, the opposite sides are equal and parallel to each other. One word is missing. Still one word is missing. Yes. 100% Pranav, आपको ये word use करना ही होगा. If same opposite side is parallel as well as equal. Yes, यदि दोनों पेयर लेंगे तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल तो भी पैरेललोग्राम है, ये इसके इक्वल तो भी पैरेललोग्राम है, बट इफ यू टेक सेम अपोजिट साइड, या तो ये दोनों या फिर ये दोनों, तो सेम अपोजिट साइड यानी एई और एफ सी, ये दोनों इक्वल भी हैं, एई और एफ सी ये दोनों पैरेलल भी है, तो सेम अपोजिट साइड इज पैरेलल एज वेल एज इक्वल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो अब कितने लोगों को समझ में आ गया कि कैसे पैरेललोग्राम हुआ? अच्छा किसको नहीं आया वो अनम्यूट करके पूछ लो जल्दी से, जिसको अभी भी समझ में नहीं आया। चलो तो इसने क्या किया, फिर से देखो ध्यान से, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सबको मालूम बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। यदि ए बी और सी डी पैरेलल होगा तो उसका एक पार्ट भी पैरेलल होगा, एंड ए ई इज अ पार्ट ऑफ ए बी,
इसका मतलब ए ई किसके पैरेलल हो गए, सी डी के एक पार्ट के, एंड सी एफ इज ए पार्ट ऑफ सी डी, यानी सीधी सी बात है यदि ए बी सी डी के पैरेलल होगा तो दिस इम्प्लाइज ए ई पैरेलल टू सी एफ, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, बट अपने समझने के लिए समझ सकते हैं, यदि पूरी साइड पैरेलल है उसका एक पार्ट भी पैरेलल होगा, फिर ए बी किसकी इक्वल है सी डी के, दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ ए बी इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ सी डी के, और दिस इम्प्लाइज ए बी का हाफ क्या है ए ई, तो ए ई किसके इक्वल हो गया सी एफ के, यानी ए ई और सी एफ इक्वल भी है, ए ई सी एफ पैरेलल भी है, सेम अपोजिट पेयर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, देयरफॉर यू कैन से दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम, तो ये जो हमारा शेडेड पार्ट है ये बन गया आपका पैरेललोग्राम, ये व्हाइट व्हाइट वाला, ये हो गया पैरेललोग्राम फर्स्ट पार्ट। अब आप इसके आगे देखो ध्यान से, यानी सबसे पहले जो मैं रब कर रही हूँ आप फेयर में पूरा प्रूफ करके दिखाओगे। नाउ नेक्स्ट, अब आप कंट्रोल शिफ्ट, नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब वो ट्रायंगल लेना है जिस ट्रायंगल में, हाँ वो ट्रायंगल लेना है जिसमें डीएम और एमएन दोनों को इक्वल करना है, यानी दोनों को मिला के देखा जाए तो डी एम एम एन, यानी डीएन, डीएन एक बेस होना चाहिए, तो डीएन इज अ बेस ऑफ विस ट्रायंगल डी सी एन, बेस वर्ड तो करेक्ट नहीं है, डीएन शुड बी अ साइड ऑफ दैट ट्रायंगल, एक साइड होना चाहिए क्योंकि बेस तो कुछ भी हो सकता है, तो डीएन किस ट्रायंगल का बेस है या किस ट्रायंगल की साइड है, डी सी एन, कि मैंने डी सी एन ये ट्रायंगल लिया। अब इस ट्रायंगल में क्या गिवन है पहले ये ध्यान से समझ लो, अब इस ट्रायंगल में गिवन, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, इस ट्रायंगल में गिवन है एफ एम इज पैरेलल टू सी एन, मैं यहां लिख के दे रही हूँ एफ एम पैरेलल टू सी एन, जल्दी से देख कितने लोगों को समझ में आ गया वाई एफ एम इज पैरेलल टू सी एन, क्लियरली एफ एम इज पैरेलल टू सी एन, राइट चैट बॉक्स, एफ एम एफ एम एफ टू एम, ये और सी एन दोनों पैरेलल है, अच्छा मैं फिर से प्रेजेंट करती हूँ, हो सकता है फ्रीज हो गया मे बी, ओके साई राम, नाउ एम आई ऑडिबल, ओके, तो क्वेश्चन ये है आपके लिए एफ एम पैरेलल टू सी एन, वाई एफ एम इज पैरेलल टू सी एन, कितने लोगों को रीजन मालूम है, राइट वाई इन चैट बॉक्स, एफ एम पैरेलल टू सी एन, ये आपको कहाँ से मिलेगा एफ एम और सी एन क्यों पैरेलल, जल्दी लिखो चैट बॉक्स में, कितने लोग फिगर ध्यान से देखो, ओके नाउ लेट मी चेक, सोनिया आर्ची किंजल प्रणव और बाकी लोग, कार्तिक हरीश दामिनी ध्रुव जैन, आज तुझे क्या हो गया, सृष्टि अच्छा रुको, तो फिर मैं अपना वीडियो बंद करके देखती हूँ थोड़ा सा, ओके साई राम नाउ एम आई ऑडिबल, ध्रुव जैन, आज ध्रुव को तो मेरी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही, अगला नंबर आज ध्रुव का है, अब मैंने नेक्स्ट टाइम से सोचा कि एक आध बार आपको नेटवर्क इश्यू हो सकता है, मैं रिमूव कर दूंगी तुरंत और अटेंडेंस उसके बाद ही लूंगी, यदि आप अटेंडेंस के लिए आते होगे तो आप जो कुछ करोगे तो उसके एक स्टेप आगे हम चलेंगे, चलो किंजल बार चलो तीनों को आ गया गुड ठीक है, ओके रोमिशा बोलो बेटा अनम्यूट, मैम बाय मिड पॉइंट थ्योरम, कैसे मिड पॉइंट थ्योरम कैसे हो बेटा, नो मैम पॉइंट ऑफ, नो मैम देखो उसको बोलो, नो मिड पॉइंट तो रॉन्ग है, चलो किंजल बारी बता,
मैम वी ऑलरेडी प्रूव दैट ए एफ सी इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर द अ लिटिल पार्ट ऑफ ए एफ एंड ई सी आर आल्सो पैरेलल देयरफॉर करेक्ट 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 म्यूट 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 बिल्कुल सही. देखो हमने ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया था. इसके पैरेललोग्राम होते ही जो नेक्स्ट अपोजिट पेयर है, कौन सा नेक्स्ट अपोजिट पेयर है, ए एफ एंड सी ई, ये दोनों ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया. तो जो नेक्स्ट अपोजिट पेयर ये पैरेलल हो गया. जब ये फुल साइड पैरेलल होगी इसका एक पार्ट भी पैरेलल होगा. ए एफ का पार्ट है आपका एफ एम और सी ई का पार्ट है आपका सी एन. इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे. अब आप यहाँ पे आ जाओ, ये एफ एम ज्वाइन किया जो मैंने अलग से फिगर बनाया था. अब एफ एम और सी एन हो गए पैरेलल, ये पैरेलल है और एफ इज अ मिड पॉइंट. एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल है, कौन सी थ्योरम लगती है, कन्वर्स या नहीं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट. कुछ भी नहीं समझ में, क्लियर नहीं है इसका मतलब, फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है. रुक जाओ फिर, अच्छा रुको एक सेकंड वेट करो, मैं रीज्वाइन कर लेती हूँ फटाफट. कभी कभी फ्रीज हो जाओ. Sairam beta, now am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक. Yes, ma'am. फिर एक बार ट्राई करते हैं. ओके स्क्रीन देखो, स्क्रीन विजिबल है. Yes, ma'am. चलो ओके. एंड माय वॉइस इज क्लियर नाउ. Yes, ma'am. तो अब एक काम करो, सब लोग म्यूट कर लो, सब लोग म्यूट कर लो फिलहाल. जिसको डाउट होगा वही अनम्यूट करेगा. हाँ तो मैं क्या, हाँ यदि नहीं समझ में आएगा तो कोई एक बता देना. कौन बताएगा, चलो एक का नाम बता दो, किंजल भारिल तुम बता देना आज. तो ए एफ पैरेलल टू सी ई बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम, तो उसका एक पार्ट भी पैरेलल हो गया. सो एफ एम पैरेलल टू सी एन आ गया, ये मिल गया हमें. अब जो मैंने ये ट्राइंगल अलग से बनाया था जस्ट समझने के लिए, डी सी एन, ये डी सी एन मैंने बना लिया. एक मिड पॉइंट है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि एफ सी डी का मिड पॉइंट है और डी एम सी एन के पैरेलल हो गया, जस्ट मैंने अभी आपको समझाया. अब एक मिड पॉइंट है और उस मिड पॉइंट से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है आपकी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. तो इसका मतलब एम क्या बन जाएगा, डी एन का मिड पॉइंट. कौन सी, कैसे लिखोगे, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. ये मिड पॉइंट था, क्वेश्चन में गिवन है. इस मिड पॉइंट से हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया ट्राइंगल के बेस के, तो जहां भी आएगा डीएन में कहां मीट कर रहा है, वो एम पे. तो एम डीएन का क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट. इसका मतलब डीएम इक्वल्स टू एम एन. ये रिजल्ट आपको फर्स्ट टू मिल गया. इसमें किसी को डाउट, क्लियर हो गया सबको, फिर से बताऊं, क्लियर हो गया. एक बार शॉर्ट में फिर क्या किया मैंने, इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया. इसके पैरेललोग्राम होते ही ए ई और ए एफ और सी ई, ये दोनों पैरेलल हो गए. इसके पैरेलल होते ही इसका एक पार्ट भी पैरेलल हो जाएगा. सो एफ एम इज पैरेलल टू सी एन, ये हमने प्रूफ कर दिया. अब एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें डी एम और एम एन आ रहा हो. कौन सा ट्राइंगल है, डी एन. तो डी एन से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, डी सी एन, ये वाला ट्राइंगल. इसको मैं व्हाइट कलर ले लूं जरा, ये एक ट्राइंगल बन रहा है डी सी एन, ये व्हाइट वाला. अब इस ट्राइंगल में क्या क्या गिवन है, ध्यान से देखो. इस ट्राइंगल में गिवन एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी सी, ये क्वेश्चन में गिवन है. इस मिड पॉइंट से हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया, ये लाइन किसके पैरेलल, इस बेस के. तो जब पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो सेकेंड साइड में जहां भी मीट करेगा उसको मिड पॉइंट बना, ये मिड पॉइंट बन जाएगा. तो M किसका मिड पॉइंट बन गया, DN का. सो यू कैन से दैट DM इक्वल्स टू MN. नाउ इट्स क्लियर. अब आ जाओ लास्ट टू. अब आप ऐसे एक ट्रायंगल चूज करो जिसमें MN और BN
उसके एक पार्ट होना चाहिए। एम एन बी एन से कौन सा ट्राइंगल बन रहा, देखो एम बी, ये ट्राइंगल एम बी ए, यानी नेक्स्ट आपको बनाना ए बी एम ट्राइंगल, वो मैं अलग से यहाँ बना के दिखा रही हूँ आपको। ध्यान से देखना, ये पॉइंट ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज एम, ए बी एम ये ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में को बच्चे समझना, ये फुल साइड ए एफ सी ई के पैरेलल है, उसका एक पार्ट भी पैरेलल होगा। अब उसका एक पार्ट का मतलब ए एम एक उसका पार्ट हो गया, और एक पॉइंट यहाँ पर ई है, ई एन हो गया उस नेक्स्ट का पार्ट, यानी सी ई का पार्ट हो गया ई एन और ए एफ का पार्ट हो गया ए एन। इफ ए एफ इज पैरेलल टू सी ई, सो यू कैन से दैट ए एम इज पैरेलल टू एन ई, तो ए एम और एन ई ये दोनों पैरेलल हो गए। अब इसमें तो फिर कुछ क्या बोलूं, चलो भगवान भी सोच रहा कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, तो फिर उफ। साई राम, नाउ इट्स क्लियर, कभी भी क्लियर नहीं है? यस मैम, नॉट क्लियर मैम, क्लियर प्रेजेंट करने से कुछ प्रॉब्लम आ रही, जैसे प्रेजेंट करते हैं तो हो रही है। रुको फिर ट्राई करते हैं। उस दिन तो बिल्कुल क्लियर। ओके साई राम, नाउ इट्स क्लियर? नो मैम। यस मैम। नो। कितने लोगों को क्लियर है पहले बताओ जल्दी से, कोई एक बताओ जिसको क्लियर हो। यस मैम क्लियर है। जिसको क्लियर, जिसको क्लियर नहीं बेटा रीजॉइन कर लो, हो सकता कि यदि एक को भी क्लियर है इसका मतलब इधर से फिलहाल तो ठीक है। चलो जल्दी फटाफट देखो, तो नेक्स्ट हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, हम नेक्स्ट हम लेंगे ट्रायंगल ए बी एम। ए बी एम कैसे पता ए बी एम लेना है, क्योंकि ए बी एम लेने से आपको मिल जाएगा एम एन एंड एन एन बी, एम एन एंड पी एन लास्ट के टू, तो एम एन ये और बी एन ये, इन दोनों से हम ले लेंगे ए बी एम। अब ए बी एम में जस्ट मैंने अभी आपको बता दिया कि ये वाली ए एम और एन ई दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल। अब ये हो गया पैरेलल, दिस पैरेलल टू दिस, और ई मिड पॉइंट है ए बी का, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से ये मिड पॉइंट, इसका कलर अगेन नॉट क्लियर, इसका मतलब आज शेयर आपकी स्क्रीन नहीं हो पाएगी। अच्छा दिख रहा है सबको, इज इट विजिबल? इसको करती हूँ, नाउ इट्स क्लियर, हो सकते इसमें आ जाओ क्लियर। यस मैम, यस मैम, ओके तब सेकंड इसमें देख लेते, चलो हो सकता है उसमें कुछ में भी पता नहीं। हाँ तो यहाँ देख लो, तो नेक्स्ट मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल इधर देखो, दिस वन ये लिया नेक्स्ट में। अब ये ट्रायंगल लेंगे कि फुल साइड, इस फुल साइड के पैरेलल है, इतना सा पार्ट इतने पार्ट के पैरेलल हो जाएगा, और ये मिड पॉइंट है, फिर वही प्रॉपर्टी लग जाएगी। इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल पी ए बी, मैंने एम एन लिया तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने हिसाब से नेमिंग कर लेना, तो पी ए बी ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है। यस बेटा, नॉट क्लियर? हाँ ठीक है बेटा, तो म्यूट करो म्यूट करो। तो इस ट्रायंगल में कौन से ट्रायंगल में पी ए बी में ये मिड पॉइंट है गिवन है क्वेश्चन में, इस मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो इसके पैरेलल है, तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये क्यू भी इसका क्या बन जाएगा मिड पॉइंट। यदि क्यू मिड पॉइंट बन गया तो ये साइड इसके इक्वल आ गई। और जब हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था फर्स्ट केस, फिर से एक बार देख लो, फर्स्ट कौन सा लिया था, ब्लू वाला, ये फर्स्ट लिया था, इसमें क्या प्रूफ कर दिया था, दिस इक्वल्स टू दिस, अब ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल आ गया, कुल मिला के तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो एक बार कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला,
एक बार कौन सा ट्रायंगल लेंगे, दिस रेड वन, एक बार ब्लू ट्रायंगल में अप्लाई कर देंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और एक बार रेड वाले ट्रायंगल में अप्लाई कर देंगे सेम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर हो गया, जल्दी बोलो। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन थ्री पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट में आपको एफ ए ई सी इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे नंबर वन, नंबर टू में इस ब्लू ट्रायंगल को लेंगे और इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, थर्ड केस में ये रेड ट्रायंगल लेंगे और इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, लास्ट में आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, ये तीन पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब डायगोनल थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्लियर, ठीक है। नाउ कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, अब एक बार मैं इसको, हाँ पहले सिक्स्थ क्वेश्चन देख लो है क्या। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन का मीनिंग सबको आगे समझ में, पहले ये बताओ। मीनिंग ये है कि अब आपके पास यदि कोई भी क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर का मतलब ये है उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ओनली फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, बस जैसे मर्जी आप फिगर बना सकते हो। अब सपोज करो मैंने फिगर ऐसे बनाया, रुक जाओ, ये लिया यहाँ पे, फिर ये ले लिया, फिर इधर ये ले लिया, फिर इधर ये ले, ये मैंने क्वाड्रिलेटर बना दिया, ना कि पैरेललोग्राम है ना ट्रेपेजियम है, कुछ भी नहीं है, ए बी सी डी ये बना लिया मैंने। अब ध्यान से देखना, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स, ए डी का मिड पॉइंट है आपका, ए डी का मिड पॉइंट ले लिया मैंने एम, और बी सी का मिड पॉइंट ले लिया मैंने एन, दोनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। नेक्स्ट अब चेंज करें, रुक जाओ मैं कलर, अब ले लिया चलो ग्रीन, सी डी का मिड पॉइंट ले लिया मैंने पी, और ए बी का मिड पॉइंट ले लिया मैंने क्यू, दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, मिल गया पी क्यू। आपको प्रूफ करना है कि जो मिड पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे आप बताना कि ये दोनों पॉइंट पे मीट करेंगे, करो दोनों मीट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, ओ पे करें दोनों। अच्छा रुक जाओ, ओके नाउ एम आई ऑडिबल, मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, अपनी कॉपी निकालते जाओ। एम आई ऑडिबल यस मैम। अब आप एक काम करो, सुनो, एक क्वाड्रिलेटरल बना, बहुत सिंपल, एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, मैं आपको बताती जाती हूँ, कुछ सॉल्व करो, ड्रॉ वन क्वाड्रिलेटरल, ड्रॉन, यस मैम, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट लो जैसे मैंने अभी फिगर बनाया था, और दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ, ड्रॉ किया, यस मैम, यस मैम, ठीक है। अब आपको जो फिगर आपका बना है उस फिगर को वो ज्वाइन करो तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, कोई बन रहा है क्या फिगर, नहीं तो मैं एक बार और ट्राई करती हूँ, अदरवाइज छोड़ो मैं किसी दिन फिर एक्स्ट्रा क्लास लेगी, तो नहीं होगा तो फिर बंद कर दूंगी, क्योंकि मैथ्स को तो ऐसे नहीं पढ़ा सकते बेटा, लास्ट ट्राई। स्क्रीन दिख रही सबको, जल्दी बोलो, यस मैम, स्क्रीन, अच्छा नो मैम,
नो मैम नो मैम नो मैम कैसे कैसे हो सकता है आप देखो स्क्रीन दिख रही है आप स्क्रीन दिख रही है जल्दी देखो फटाफट यस मैम स्क्रीन यस मैम यस हां हां फटाफट देखो अच्छा एक पीरियड आपका और इसके बाद अरे यार शिट चलो चलो कोई मिनट पांच मिनट और हाँ ध्यान से देखो ये मैंने फिगर बना दिया अब इस फिगर में इसको मैंने डॉटेड ये किया देखा फिगर ये ज्वाइन किया और ये ज्वाइन अब आपको क्या करना है ध्यान से सुनो आपको M देखते जाना नेम M P N Q M P N Q इसको पैरेललोग्राम अच्छा तो फिर ठीक है छोड़ो बेटा आज फिर रहने दो आज कुछ नेटवर्क इश्यू आ ही रहा है ले चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे कोई बात नहीं आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम पता नहीं क्यों आ चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम करेंगे बेटा ओके लीव इट लीव वन बाय वन सायरा मैम थैंक यू मैम थैंक यू मैम थैंक यू मैम थैंक यू मैम सायरा मैम सायरा बेटा थैंक यू मैम ओके बेटा